उनके दरबार में 8 विद्वान थे, उनके दरबार में 8 विद्वान थे जिनको जो थे अष्ट दिग्गज नाम से प्रसिद्ध। अष्ट दिग्गज, अष्ट मतलब क्या होता है? अष्ट मतलब 8, अष्ट मतलब होता है 8, और दिग्गज, दिग्गज मतलब विद्वान। 8 विद्वान थे जिनको, जो कि अष्ट दिग्गज की, राजा कृष्णदेव राय के दरबार में अष्ट दिग्गज हैं, ठीक है। वो तुम सब प्रसिद्ध विद्वान थे जो कि बताओ किस नाम से मशहूर थे? अष्ट दिग्गज। अच्छा, उनमें से एक बहुत ही विद्वान थे जो आज भी प्रसिद्ध हैं, जिनकी कहानियां, जिनके किस्से हम आज भी पढ़ते हैं। पता लग गया कौन है? बताओ, तेनाली राम। वेरी गुड। उनमें, इनके दरबार में जो 8 विद्वान थे उनमें से एक थे तेनाली राम, जिनके टीवी में भी सीरियल वीरियल आया था, है ना, और हम लोग किताबों में, कॉमिक्स में, है ना, बच्चों की कॉमिक्स में भी पढ़ते हैं, है ना, तो सब बच्चे तेनाली राम को अच्छे से जानते हैं। कोई बताएगा तेनाली राम के बारे में क्या था? बहुत विद्वान थे। कैसे कैसे विद्वान थे? हर काम सोच समझ कर करते थे, और हर काम का, हर मुश्किल का हल वो चुटकी चुटकी बजाते ही निकाल लेते थे। अच्छा, एक कॉमिक में एक और भी हैं जिनका दिमाग बहुत तेज चलता है, और उनके लिए लिखा जाता है उनका दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है। कॉमिक तुम लोग ने पढ़ी होगी, कॉमिक पढ़ते हो? नहीं पढ़ते। चाचा चौधरी का नाम सुना? यस आंटी, तो फिर क्यों कहते हो नहीं पढ़ा? चाचा चौधरी का नाम सुना है ना, तो चाचा चौधरी के लिए छोटा सा लिखा हुआ आता है, चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है। ऐसे ही उस जमाने में कौन थे? तेनाली राम। हर समस्या का हल वो चुटकी बजाकर और तुरंत निकाल लेते थे, इसीलिए वो विद्वान थे और इतने ज्यादा प्रसिद्ध थे कि आज भी हम उनको, आज भी हम सब उनके बारे में, उनके किस्से पढ़ते हैं और सुनते हैं, ठीक है। एक किस्सा आपकी बुक में भी लिखा हुआ है, पढ़ा है किसी ने? लिखा है, तेनाली राम अंधविश्वासों और ढोंग का विरोध करते थे। अंधविश्वास और ढोंग का क्या मतलब हुआ, कुछ समझते हो? अंधविश्वास नहीं, नहीं बेटा, अंधविश्वास की बहुत अंधविश्वासी है, तुमने सुना होगा अंधविश्वास नहीं करना चाहिए। अंधविश्वास क्या चीज होती है? नहीं, अंधविश्वास होता है कोई छींक दे, अगर आप निकल रहे हो, किसी ने छींक दिया तो आप कहोगे अरे ये तो बहुत बुरा बात हो गई, अशुभ हो गया, अब तो मैं थोड़ी देर बैठ जाऊं, रुक के जाऊं, या फिर बिल्ली रास्ता काट गई तो भैया अब हम वहां से नहीं जाएंगे, भले ही हमें दूसरे रास्ते से जाना पड़ जाए जो लंबा हो, लेकिन हम वहां से नहीं जाएंगे जिधर से बिल्ली ने रास्ता काटा। ये सब क्या होता है? अंधविश्वास। ये लोगों को विश्वास होता है कि अगर बिल्ली ने रास्ता काट लिया तो जरूर हमारे साथ बुरा हो जाएगा, लेकिन ये क्या होती है, ये कोई सही बात नहीं होती है, ये सब अंधविश्वास होता है। और ढोंग मतलब यही कि आपने अंधविश्वास से आप यही सब ढोंग कर रहे हो कि हमें पूजा, हमें ये करना चाहिए, हमें दान करना चाहिए, हमें ये सब क्या है? ढोंग, ढकोसला और अंधविश्वास। तो इन सब का बहुत ही विरोध करते थे, इन सबको वो तेनालीराम नहीं मानते थे। तो एक बार क्या हुआ, किस्सा सुना रही हूँ मैं तुम लोगों को, वो तेनालीराम का, एक जिससे पता लगेगा कि उनका कितना अच्छा दिमाग था। तो एक बार जो राजा थे, किस कौन से थे? राजा कृष्णदेव राय। उनकी जो मम्मी थी, उनकी मम्मी बहुत बीमार पड़ गई, तो उन्होंने कहा कि मुझे तो कृष्णदेव, मुझे तो आम खाना है। तो
राजा ने कहा अच्छा अभी मंगाता हूँ माँ, लेकिन वो जब तक राजा कृष्णदेव राय आम मंगाते तब तक उनकी मम्मी की डेथ होगी, उनकी माँ की मृत्यु हो गई। तो राजा को बहुत खराब लगा, राजा बहुत पछताने लगे कि हाय राम मैं तो अपनी माँ को आम नहीं खिला पाया, उनकी आखिरी इच्छा मैंने नहीं पूरी करी। तो उन्होंने क्या किया कि पंडितों को बुलवाया कि पंडित जी आइए, और चार पांच पंडित आए उनके दरबार में। क्या बात है राजा, क्या बात हो गई राजा जी? तो उन्होंने कहा कि ऐसी ऐसी बात है, मेरी माँ ने मुझसे आम खाने के लिए बोला था, लेकिन जब तक आम मंगाता तब तक उनकी मृत्यु हो गई। तो अब मुझे बहुत बुरा लग रहा है, और ऐसी स्थिति में मैं क्या करूं? पंडित लोग तो भैया बड़े अकलमंद, उन्होंने कहा कि राजा जी आप ऐसा करिए, आप अपनी मम्मी को तो आम नहीं खिला पाए, अब हम लोगों को सारे पंडितों को सोने का आम दीजिए। कैसा आम? सोने का। असली आम भी नहीं दीजिए, सोने का आम दीजिए। सोचो कितना भारी होगा, सोना कितना महंगा होता है। फिर सोने का आम हम पंडितों को दीजिए, तब जो है आपकी मम्मी की, अब आपकी माँ की इच्छा ऐसे करेंगे तो पूरी हो जाएगी। अब राजा ने क्या किया कि सारे पंडितों को सोने का आम बांट दिया। पंडित लोग बड़े खुश होकर चले। तेनालीराम दूर से सब देख रहे थे कि अच्छा ये चाल चल रहे हैं पंडित लोग, और अब देखो राजा सबको सोने का आम दे रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया कि थोड़े दिन वो अपने दरबार में आए नहीं, तेनालीराम अपने घर में जाकर बैठ गए, और उन्होंने दरबार में खबर भेज दी कि वो जो है अपनी माँ का श्राद्ध कर रहे हैं। श्राद्ध क्या होता है? श्राद्ध क्या होता है? जब कोई मर जाता है तो उसका जब एक साल बाद जो है उसके लिए पंडितों को बुला के खाना वाना खिलाते हैं ना, पूजा वूजा करते हैं पंडित जी, और खाना खिलाते हैं, और पंडितों को दान पुण्य देते हैं, और पंडित क्या कहते हैं कि ये आप अपनी इसको करने से ये आपकी माँ को मिल जाएगा। पंडित ने क्या कहा था कि आप सोने का आम हमें देंगे तो आपकी माँ को आम खाने को मिल जाएगा। कहीं ऐसा होता है बताओ? जो मर गया वो तो चला ही गया, हम पंडित को आम दे देंगे तो उससे ऊपर माँ तक कैसे पहुँचेगा? तो तेनालीराम तो सब समझ गए, तो उन्होंने वो सोचा अब मैं सबक सिखाऊंगा पंडितों को। वो दरबार में उन्होंने आना छोड़ दिया कुछ दिन, और दरबार में खबर भेज दी कि हम अपनी माँ का श्राद्ध कर रहे हैं, और इसलिए जो है जो सारे दरबार के पंडित हैं वो मेरे घर में भी आए और पूजा कराएं। ठीक, उन्होंने अपने पंडितों को तेनालीराम ने घर बुलवा लिया। श्राद्ध के दिन जो है दरबार के सारे पंडित तेनालीराम का घर पहुंच गए। उसके बाद तेनालीराम ने क्या किया, एक एक करके सब पंडितों को कमरे में बुलाया और गरम गरम छड़े और पंडितों के घुटने पे खूब कस कस के मारी। तो पंडित तो भैया बहुत चिल्ला रहे, बचाओ अरे बचाओ, ये तो इसने तो घोर अपमान किया हमारा, है ना, कि हम इसने हमको बुलाया और देखो हमको गरम गरम छड़ों से मार रहा है, बहुत बुराई करी। और राजा के दरबार में जाकर राजा कृष्णदेव से शिकायत लगा दी कि तेनालीराम ने हमें घर में बुलाकर गरम गरम छड़ों से हमारे घुटने पे मार दिया। तो राजा ने कहा बुलाओ तेनालीराम को। तो तेनालीराम गए, हाँ राजा जी क्या बात है? तो राजा ने कहा कि तुमने सारे पंडितों को क्यों मारा, एक तो तुम्हारे घर में आए श्राद्ध पूजा वूजा करने और तुमने उनको घुटने में मारा कमरे में बंद करके। तो उन्होंने कहा कि मैं क्या करूं राजा जी, मेरी माँ के घुटनों में दर्द होता था, हाँ, तो और वो चाहती थी कि उन घुटनों को वो अपने गर्म छड़ों से दागना चाहती थी जिससे कि उनका दर्द ठीक हो जाए। अब वो तो मर गई, मैं तो उनके इच्छा पूरी नहीं कर पाया। तो जब मैंने आपको आम बांटते देखा, तो अगर पंडितों को ऐसा करने से आपकी माँ तक आम पहुँच जाएगा, पंडितों को आम देने से आपकी माँ तक आम पहुँचेगा, तो मैं भी अगर पंडितों को घुटनों पे मारूंगा तो मेरी माँ के भी घुटनों में दर्द ठीक हो जाएगा, उनको भी लगी जाएगी, वो दागना चाहती थी अपने घुटनों को।
तो पंडित कहे ये कहीं ऐसा कहीं होता है, ऐसा कहीं होता है। तो तेनालीराम ने बोला क्यों, राजा की माँ मरे और आम खाए आप तो राजा की माँ तक पहुंचेगा, और मेरी माँ घुटने में दर्द की वजह से उनको दागना चाहती थी, तो मैं आपके दागों तो नहीं पहुंचेगा। ये तो गलत बात है, हंसने वाली बात है ना, मजा आया, मजेदार किस्सा है ना। तो इस तरीके से उन्होंने पंडितों को भी सबक सिखा दिया, अकल आ गई ना पंडितों को। और राजा भी तेनालीराम की ये चालाकी देख के, ये चतुराई देख के बहुत ही खुश हुए। राजा को भी अकल आई कि देखो हम भी कैसे अंधविश्वास के चक्कर में पड़कर इन लोगों को सोने का आम दिया, लेकिन एक तरीके से वो पंडित हमें बुद्धू बना रहे थे, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो यही बात तेनालीराम राजा जी को समझाना चाह रहे थे, है ना। तो इस तरीके से तेनालीराम अष्ट दिग्गजों में से अपने, उनके जो आठ विद्वान थे उनमें से एक थे, और हर कार्य में, हर समस्या में वो राजा कृष्णदेव राय की मदद करते। ऐसे बहुत सारे तेनालीराम के किस्से हैं, बहुत सारी समस्याएं थी, इन्हीं समस्याओं के किस्से बन गए कि ऐसे ऐसी स्थितियों में तेनालीराम ने ऐसा ऐसा करके राजा की मदद की। अच्छा, और एक काम राजा कृष्णदेव राय ने अपने प्रजा के लिए एक बहुत बड़ा काम ये किया था कि वो अपने राज्य में खेती को बढ़ावा देना चाहते थे, जिससे कि इतना अनाज उगे उनके राज्य में कि उनके प्रजा को भूखा ना रहना पड़े। लेकिन खेती के लिए सबसे जरूरी क्या चीज होती है बेटा, पानी। वेरी गुड, पानी जरूरी होता है। तो उस पानी का इंतजाम करने के लिए उन्होंने कुएं बनवाए, उन्होंने बड़े बड़े बांध बनवाए। बांध, बांध क्या होता है बेटा, बताया था, नदियों, नदियों पर बांध बनाए जाते हैं। कैसे बांध बनाए जाते हैं, डैम, डैम समझते हो, डैम को हिंदी में बांध कहते हैं। क्या होता है, क्या होता है उस बांध, बांध बनाने से, बांध का मतलब समझते हो ना, बांध किसी चीज को, किसी चीज को बांधना। तो आप नदी के पानी को बांध सकते हो, बताओ, नहीं बांध सकते ना। तो नदी के पानी को का बहाव थोड़ा रोकने के लिए बांध बनाए जाते हैं। उस एक तरीके से नदी के पानी को रोका जाता है, और फिर जब उसकी जरूरत पड़ती है तो उसको खोल देते हैं और पानी बहने लग जाता है। तो जब जरूरत हुई आपने इसको खोल दिया, और जब जरूरत हुई बांध दिया। तो उन्होंने बांध बनवाए, कुएं बनवाए, नहरें और झीलें बनवाई। नहरें कैसे बनती हैं, नदी, नदी से ये नदी बह रही है, हाँ, इधर से आपने एक छोटा सा रास्ता निकाल दिया तो ये क्या बन गई, तो इधर से भी पानी आने लग जाएगा, ये बन गई नहर, ठीक है। और तुंगभद्रा नदी के किनारे तो बसा ही हुआ था उनका राज्य, है ना। तो इसलिए उन्होंने बड़े बड़े बांध बनवाए, कुएं बनवाए, नहरें और झीलें बनवाई, जिससे उनके राज्य में खेती अच्छे से हो सके, ठीक है। अब इन थोड़ा सा होमवर्क, ये होमवर्क है आपका, आप लोग कल कल करके लाएंगे, ठीक है। सब समझ में आया, कौन से राज्य के राजा थे राजा कृष्णदेव राय, दक्षिणी भारत के, क्या राज्य का नाम था बेटा, विजयनगर। वेरी गुड, विजयनगर राज्य था, और वो कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ था, तुंगभद्रा नदी के किनारे। नाउ दिस इज योर होमवर्क, पहला क्वेश्चन है,
कौन बताएगा? विजयनगर। और विजयनगर कौन सी नदी के किनारे था? तुंगभद्रा। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विजयनगर यस किस नदी के किनारे? तुंगभद्रा। वेरी गुड। नाउ थर्ड इज, कृष्णदेव राय ने लिखी थी? नो, अमुक्त मल्यदा। कौन सी भाषा की थी ये? तेलुगु। दक्षिणी भारत में तेलुगु आज भी बोली जाती है, तेलुगु, तमिल, है ना, यही सारी भाषाएं बोली जाती हैं। तो उन्होंने तेलुगु भाषा में ये कविता लिखी थी, अमुक्त मल्यदा। उसमें किसके बारे में लिखा था? राजा को बताने के लिए या सबको समझाने के लिए कि कैसे राज चलाया जाता है। अब नेक्स्ट इज, उन्होंने अपने राज्य के लिए क्या कार्य किए? एक एक करके बताओ। उन्होंने अपने राज्य के लिए, प्रजा के लिए नहीं, मैं अभी पूछ रही हूँ, अभी मैं प्रजा के लिए नहीं पूछ रही हूँ, अपने राज्य के लिए क्या क्या किया? पहला काम क्या किया था? वेरी गुड। अपनी सेना को मजबूत बनाया। फिर क्या किया? और दूसरा, लड़ाई करके कौन सा राज्य? अपने उड़ीसा। वेरी गुड। और उन्होंने अपने उड़ीसा को अपने राज्य में शामिल कर लिया। ठीक है। अच्छा, आप प्रजा के लिए क्या क्या काम किया था? वन बाय वन। नदी, झीले, कुएं और बांध बनवाई। यहाँ से कोई बताओ और क्या काम किया था प्रजा के लिए? क्या करते थे वो अपने प्रजा के लिए? रात में रात में भेष बदलकर देखने जाते थे किसी को कोई तकलीफ तो नहीं। और उनके जो दरबार के जो अफसर हैं, जो मंत्री थे या और भी जो थे लोग, वो सही से अपना काम कर रहे हैं कि नहीं, हमारी प्रजा को कोई दुख तो नहीं है, है ना? ये बहुत बड़ा काम था प्रजा के लिए, है ना? ठीक है। और खेती बढ़ाने के लिए वो उन्होंने बांध और ये सब बनवाया था। और उनके एक बस लास्ट ये बताओ, तेनाली राम कौन थे? इतना बड़ा किस? नहीं, सेनापति नहीं। सेनापति कौन होते? अष्ट दिग्गजों में से, अष्ट दिग्गज मतलब जो आठ उनके दरबार में विद्वान थे, उसमें से एक थे तेनाली राम, जो राजा की कैसे मदद करते थे? राजा की समस्याओं को चुटकी में, राजा की समस्याओं का तुरंत हल निकालते थे चतुराई से, अपने दिमाग से, है ना? ठीक है। तो ये कल होमवर्क आप लोग करके लाएंगे अपनी अपनी कॉपीज में। ठीक है।